नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देश में इस समय घटनाक्रम इस तरह हो रहे हैं कि उसको लेकर लगातार चर्चाओं का दौर जारी है, और खास तौर से उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जिस तरह से यहां पर हाल में ही आतिक अहमद को बार बार साबरमती जेल से नैनी लाया जा रहा था, उसके बाद भी लगातार सरकार द्वारा और विपक्ष द्वारा जो बयान का था उसका दौर लगातार चलता रहा। अभी जो घटनाक्रम है वो भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर आतिक अहमद के बेटे असद और गुलाम की यहाँ पर कल एक एनकाउंटर में मृत्यु हो गई। एनकाउंटर हुआ, उसके बाद जिस तरह का दौर चल पड़ा है कि जहाँ एक तरह विपक्ष इस मौके को गंवाना नहीं चाह रहा है और इसको बोल रहा है कि फेक एनकाउंटर है, तो वहीं सरकार का कहना यह है कि जो गलत करेगा वो भरेगा। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर सदन में कहा था, जब विपक्ष उनको लगातार कानून व्यवस्था पर घेरने का प्रयास कर रहा था, उन्होंने कहा था कि माफिया को मिट्टी मिला देंगे। कारण था 24 फरवरी 2023 की घटना, जिसको लेकर विपक्ष का कहना था कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, खुलेआम बम चल रहे हैं और एक अधिवक्ता की हत्या कर दी गई है, दो पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी गई है। और हत्या के बाद जो माहौल गरमाया था, विपक्ष को मुद्दा मिला था और सरकार को जवाब देने का मौका, और जहां विपक्ष ने इस मुद्दे को भुनाया, सपा प्रमुख अखिलेश यादव यहां पर सरकार को घेरते नजर आए, तो वहीं योगी आदित्यनाथ दूसरे कार्यकाल में पहले से सजग और यहां पर अपने नेतृत्व की तरह यहां पर बढ़ते नजर आए। उन्होंने कहा कि माफिया को मिट्टी मिला देंगे और बयान फिलहाल सरगर्मी बना हुआ है। कारण यहां पर यह है कि इस बयान को देखते हुए आतिक अहमद भी कई बार ये बोल चुके हैं कि मिट्टी मिला दिया है, अब केवल रगड़ रहे हैं। माफिया जो कभी रोता नहीं था, माफिया जिसका एक सल्तनत थी, माफिया जिसकी बादशाहत थी, वो माफिया जिसको लेकर कहते रहे कि ये आतिक अहमद है, माफिया राज। सांसद भी बना, विधायक भी बना और इतना बड़ा नाम था कि 100 से अधिक मुकदमे पर सजा किसी मामले में नहीं हुई। यहां तक कि एक मामले सजा होने वाली थी, तब सजा के मुख्य गवाह यानी उमेश पाल की 24 फरवरी 2023 को दिन दहाड़े हत्या कर दी गई, और साथ में दो निर्दोष पुलिसकर्मी भी इस हत्या के शिकार बने, उनकी भी हत्या हो गई। जिम्मेदार कौन? जिम्मेदार यहां पर अगर शासन है तो जिम्मेदार यहां पर ये माफिया राज भी है, जो फिलहाल राजनीति में लगातार बना हुआ है। कारण क्या है? और सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पर यह, जिस तरह से यहां पर विपक्ष सवाल उठा रहा है कि जो एनकाउंटर है ये फेक है और योगी राज में केवल और केवल फेक एनकाउंटर होते हैं, एनकाउंटर फेक है या सही है वो तो भविष्य के घर में निहित नहीं होगा, क्योंकि यहां पर जांच चलती रहती है। पर एक बात तो स्पष्ट है, एनकाउंटर हुए हैं और अपराधी मौत के मुंह में चले गए हैं, ये भी एक सत्य है, इसको कोई सत्य को फेक नहीं बोल सकता, क्योंकि यहां मौत हो चुकी है और काल के गर्क में अपराधी जा चुके हैं। अपराधी अपराधी होता है, वो किसी धर्म जाति समाज से नहीं होता है, ना उसका कोई धर्म होता है, ना जाति होती है, ना समाज होती है। पर चूंकि राजनीति हमारे देश की ऐसी है कि हर अपराध पर, हर अपराधी पर और चर्चा महत्वपूर्ण हो जाती है। उसके बीच में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जहां एक तरफ उसमें बुद्धिजीवी बोल रहे हैं, नेता बोल रहे हैं, तो वहीं संत भी बोल रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पर यह भी है कि चर्चाएं अगर यहां पर आतंक को लेकर है तो चर्चाएं यहां पर एनकाउंटर को लेकर भी हैं। जहां पर एनकाउंटर के एक तरफ यहां चर्चा यह हो रही है कि एनकाउंटर फेक है, तो वहीं सरकार का कहना है कि जो हमने किया है वो हम करके दिखाएंगे, और अगर अपराधी उत्तर प्रदेश में अपराध करेंगे तो या फिर वो इस उत्तर प्रदेश को छोड़ के जाएंगे, या जेल जाएंगे, या फिर ऊपर जाएंगे। और फिलहाल ऊपर जाने का जो सिलसिला है वो लगातार चल रहा है। 7 अपराधी, 4 अब तक ढेर हो चुके हैं, 3 बाकी हैं, क्योंकि विपक्ष यहां यह भी सवाल उठा रहा था कि 24 फरवरी की घटना के बाद सरकार यहां पर चुनाव में लग गई है, अपराधी अब भी घूम रहे हैं। तो अपराधी घूम नहीं रहे हैं, अपराधी के पीछे पुलिस पड़ी हुई थी, और कल यूपी एसटीएफ ने जो कारनामा करके दिखाया वो कहीं ना कहीं एक बात स्पष्ट करता है कि कानून के यहां देर है, अध्ययन नहीं है। फिलहाल इस महत्वपूर्ण चर्चा पर महंत राजू दास ने क्या कहा, वो सुनते चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और कष्ट इस बात की होता है कि अपराधी अपराधी होता है, किसी मजहब का नहीं, किसी संप्रदाय के नहीं, किसी धर्म का नहीं। अगर अपराधी को किसी जाति से, किसी मजहब से, किसी संप्रदाय को जोड़ दिया जाए तो मुझको लगता है कि यह बहुत कष्ट वाली बात होती है। और मुझको लगता है कि लगातार यह प्रयास होना चाहिए कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में सुशासन का राज है और उस राज्य में
अपराधियों का सहयोग करना सबसे बड़ा अपराधी होता है, और अतीक के बेटे का इनकाउंटर, अतीक का भी इनकाउंटर होना चाहिए, इसलिए क्योंकि जिस प्रकार से लूट, हत्या, बलात्कार, फिरौती, आप समझ सकते हो कि आज अतीक को कितना तकलीफ हो रही होगी। वो सबसे बड़ा पापी होता है जिसके सामने में बेटा का मृत्यु हो, बाप के सामने अगर बेटा मारा जाए, समझिए कि बहुत ही कष्टकारी होता है। और मुझको लगता है कि विपक्षी को तत्काल इस मुद्दे से हटकर तमाम ऐसे मुद्दे हैं उस पर बहस, उस पर चर्चा करना चाहिए। चर्चा विषय महत्वपूर्ण है, कारण यह भी है, अगर अपराधी का एनकाउंटर हुआ है तो विपक्ष को दर्द कैसा है। अपराधी अपराधी होता है, वो किसी पार्टी का नहीं होता है, वो समाज का दुश्मन होता है। जब दुश्मन का यहां पर बध हुआ है तो बट पर यहां राजनीति क्यों हो रही है? क्यों अखिलेश यादव, क्यों डिंपल यादव, क्यों तमाम विपक्षी दल यहां पर प्रश्न उठा रहे हैं? अगर अपराधी का यहां एनकाउंटर हुआ है तो गलत क्या हुआ है? उस 5 लाख का इनामी था, वो इनामी अपराधी के खिलाफ अगर कार्रवाई हुई है तो उस कार्रवाई से दर्द कैसा है? चर्चा विषय बहुत महत्वपूर्ण है, और हमारे साथ मेहमान जो रूबरू करा दू, नेता भाजपा से सपा अपनी बात रखेंगे, प्रवक्ता सपा से रविंद्र प्रताप सिंह अपनी बात रखेंगे, प्रवक्ता आपसे सैयद मोहम्मद तकी अपनी बात रखेंगे, अधिवक्ता हाईकोर्ट से डॉक्टर शमशेर यादव अपनी बात रखेंगे, और दिलीप यादव राजनीति विशेषज्ञ रूप में अपनी बात रखेंगे। आप सभी मेरे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरा पहला सवाल रहेगा वो नेता भाजपा से रहेगा। सवाल भाई, कार्रवाई हुई है और कार्रवाई के साथ यहां पर राजनीतिक बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया। खैर, चुनाव है, 24 चुनाव भी है, निकाय चुनाव भी है। बयानबाजी बताती है कि यहां पर एक तरफ तो सरकार इस पूरे मामले को लेकर अपने आप को बेहतर दिखाने का प्रयास कर रही है कि हमने जो कहा उसको करके दिखाया, तो वहीं सपा समेत अन्य विपक्षी दलों का कहना है कि फेक एनकाउंटर है और सरकार केवल अपनी यहां पर छवि बनाने का प्रयास कर रही है, धरातल पर कुछ नहीं है। NCERB के आंकड़े बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। क्या राय है आपकी सपा सेन एनकाउंटर पर? सौरभ जी, जी आपके चैनल से जो लोग बैठे हैं सबको नमस्कार। जी मैं तो ये कहूंगा, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है जी कि अभी कल तक यही विपक्ष के लोग जी कह रहे थे कि अपराधी टहल रहे हैं, घूम रहे हैं और सरकार कुछ, अरे घूम रहे थे बोल रहे थे ना, घूम रहे थे, घूम तो रहे थे भाई, 24 फरवरी घटना है, डेढ़ महीना हो गया, क्या गलत बोल दिया? सरकार कुछ नहीं कर रही, और माननीय योगी जी ने जी साफ कहा है कि उत्तर प्रदेश को गुंडा मुक्त, भय मुक्त समाज देंगे। अच्छा, उस पैटर्न पर हमारी देंगे कि दे रहे हैं है। अभी भी संशय है क्या, देंगे या दे रहे हैं? संशय नहीं, वो शब्दों का होता है। अच्छा, नहीं, अभी भी दे रहे हैं समझ में आया। तो जो उन्होंने वादा किया इस प्रदेश की जनता से, वो जनता के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जब विपक्ष के लोग एक अपराधी के फेवर में आकर के उतरते हैं और बताते हैं कि ये फेक काउंटर है, हाँ। तो कहीं ना कहीं ये पुलिस प्रशासन और हमारे जवानों के ऊपर ये आरोप लगाते हैं। अगर आप सोचिए कि एक अपराधी से मुठभेड़ हो रही है, अगर उस अपराधी की मुठभेड़ में अगर हमारे जवान शहीद हो जाते तो ये क्या करते? अच्छा, जो इनामी जो लड़का जो मारा गया है सर, इसके ऊपर 5 लाख का इनाम था, और क्या इसके पिता को लोग नहीं जानते? उत्तर प्रदेश की जनता, और यहाँ तक कि मैं कहूंगा कि पिछली जो सरकारें थी जिनका इन माफियाओं को संरक्षण प्राप्त था, और जैसी देखिए गौरव जी, जैसी सरकार बोलिए, सरकारें थी, आपकी सरकार भी थी भाई, बोली सरकारें थी, जैसी आपकी सरकार भी रही है पूर्ववर्ती, अपने भूल जाते हैं क्या गौरव जी? और जी एक मिनट, सरकार के हिसाब से प्रशासन के लोग काम करते हैं। सरकार माफियाओं को संरक्षण देती थी पिछली सरकारें, इसलिए सरकार के जो होते थे उनके संरक्षण में वो चलते थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी जी की सरकार, माफियाओं का संरक्षण नहीं, माफियाओं को उखाड़ फेंकने का काम कर रही है। ये जो ये वही लोग आज आकर के डिबेट कर रहे हैं जो कल तक कह रहे थे कि जो है वो अपराधी टहल रहे हैं, आज जब अपराधी का इनकाउंटर हो गया, अपराधी मारा गया तो बता रहे फेक इनकाउंटर है। इनको शर्म नहीं आती हमारे पुलिस प्रशासन के ऊपर अमली उठाते हुए, अपने उसके जिन लोगों ने इतने खतरनाक मुजरिम को मुठभेड़ में मार गिराया उसको बता रहे कि मासूम बच्चा है। अच्छा, जिसका बाप उत्तर प्रदेश में नाम से लोग कांपते थे, अच्छा। उसके पुत्र को बता रहे मासूम बच्चा, वो मासूम है, जो अभी कुछ दिन पहले इलाहाबाद के अंदर फिल्मी स्टाइल में से उछल करके एक वकील की हत्या की, उसके बाद उछल करके मारा उसने गोलियां मारी उसके साथ में, उनको ये बता रहे कि मासूम बच्चा है। अच्छा, इन लोगों को शर्म नहीं आती?
ये लोग ऐसी आकर के। अच्छा अच्छा, मेरा सवाल ले लीजिए। अरे आप नाराज मत होइए, जनता के उसकी बात करिए। अच्छा, मैं सवाल ले लीजिए। सरकार ने जो कहा था वो कर दिया। ठीक है, ठीक है। और मैं फिर दावे के साथ कहता हूँ और बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूँ, माफिया जो भी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो किसी जाति का हो किसी धर्म का। सवाल भाई, अभी आपने सरकारें बोल रहे थे, पूर्व की सरकार है, पूर्व की सरकार है, तो पूर्व में आपकी सरकार भी थी, आप लोग भी पुष्ट करते क्या? हमारी जब सरकार रही होगी तो उस वक्त के आंकड़े आप उठा करके देख लीजिए। हमारे आंकड़े नहीं बताइए, आपने पूर्ववर्ती सरकारों की बाकी मैं आपको भाई पूछ रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो सरकारी तंत्र है, पुलिस खास, तो आप ये बोलिए ना कि स्वतंत्र रहता है। आप ये बोलिए बीजेपी सरकार छोड़ के बाकी सरकारें जो रही है उसको कानून के हिसाब से काम करना चाहिए। हमारी सरकार कोई कभी, आप बताइए, विपक्ष के लोग बैठे हुए हैं, बताइए कौन सा मंत्री थाने में फोन करता है कि हमारे फला आदमी को छोड़ दीजिए? अच्छा बताइए, आप बता रही, मुझे तो पता ही है कौन करता है कौन नहीं। प्रशासन से पूछता हूँ, बताइए किसी मंत्री विधायक का फोन आया हो कि फला आदमी को छोड़ दीजिए? पिछली सरकार को लोग क्राइम मिनिस्टर के नाम से जानते थे। 150 दंगा, इतना आतंकवाद, बिल्कुल लोग गुंडा राज, बिल्कुल बिहार बना दिया था उत्तर प्रदेश। अच्छा अच्छा, आज कम से कम हमारी उत्तर बिहार नाम मत लीजिए, अभी वहाँ भी सरकार थी आपकी। इलाहाबाद के लोग, अरे सवाल भाई, बिहार नाम मत लीजिए, वहाँ भी सरकार थी आपकी, अभी गठबंधन टूटा है। सवाल भाई, बिहार का नाम मत लीजिए, वहां भी आपकी सरकार थी, अभी गठबंधन टूटा है, ऐसे बदनाम मत करिए। हमारी सरकार थी, इस तरह से बिहार चलता नहीं था। अच्छा, हमारे साथ गठबंधन में अनुशासन में चलते हैं लोग। अच्छा ठीक है, ठीक है रविन भाई, जो गठबंधन में रहते हैं चलिए रविन भाई छोड़ के चले जाए। चलिए ठीक है रविन भाई, बड़ा दर्द है इनको भाई, इन्होंने बता दिया कि आप लोग पोस्ट करते थे और आप लोग बयानबाजी भी कर रहे हैं। सपा प्रमुख का बयान भी आया है, सपा सांसद डिंपल यादव का बयान भी आया, फेक एनकाउंटर है भाई, एनकाउंटर फेक है जो भी है उसकी जांच हो जाएगी। पर यहाँ पर जिस तरह से एसटीएफ द्वारा एक बड़ा काम किया गया है तो अप्रिसिएशन हो जाना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, किस एनकाउंटर को अगर हम पीछे भी छोड़ दें तो वहाँ पर उमेश पाल और दो पुलिसकर्मी कौन थे? वो तो निर्दोष थे, उनकी गलती क्या थी, उनको क्यों मार दिया गया? तो थोड़ी संवेदना जताते हुए यहाँ पर आपको बोलना चाहिए, या विपक्ष की भूमिका ये भी होनी चाहिए कि भाई जो उमेश पाल थे वो भी जनता थी, दो पुलिसकर्मी थे वो भी जनता के प्रतिनिधि थे, वो भी जनता के सेवक थे, उनको मारा गया, उनको मानने वाले अगर लोग एनकाउंटर में शहीद हो रहे हैं, शहीद चले जा रहे हैं, उनको मार दिया जा रहा है, तो दिक्कत क्या है, बुराई क्या है, समस्या क्या है, दर्द क्या है? रविन भाई क्या राय है आपकी? सर प्रथम तो मैं आपके चैनल पे ही अतीक को दुर्दंड अपराधी बता चुका हूँ जी, और कह चुका हूँ जो कुछ भी हुआ वो अच्छा हुआ, और उसके जो अजन कारावास की सजा हुई उससे हमारी विधायिका जी श्रीमती पूजा पाल जी को बहुत आराम मिला जी। बिल्कुल, उसी समय मैंने ये कहा था जी कि इससे भी खराब स्थिति इस अतीक की होगी जी, जब उमेश पाल जी के मर्डर का मामला खुलेगा जी। अब आते हैं दूसरी बात पे जी, यह पूरा का पूरा षड्यंत्र, मतलब जो अतीक अहमद है जी, ये उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार के लिए एक चुनावी इवेंट है। अच्छा, पहले तो उसको ले आए गाड़ी में बैठा के अहमदाबाद से यहां तक 1500 किलोमीटर, उसको 24/7 लाइव टेलीकास्ट कराया, दोबारा आया तो टेलीकास्ट नहीं कराया जी। अब क्योंकि उनको पहले से मालूम था कि हमने एक एजेंडा बना रखा है जी, कि उसके बेटे को एनकाउंटर करके उसको लाइव करेंगे जी। तो ये जो चर्चाएं चल रही हैं, अच्छा, ये बीजेपी का एजेंडा है, इस बीजेपी के एजेंडे में हम नहीं फंसना चाहते हैं, लेकिन जो एनकाउंटर फर्जी है तो फर्जी है, इसका मैं आपको प्रमाण दे रहा हूँ। अच्छा, पिछले 6 महीने में 2 प्रमुख एनकाउंटर हुए हैं जी, एक अपराधी राणा बिजनौर में मारा गया जी, एक निर्दोष आगरा में मारा गया जी, जो मध्य प्रदेश का रहने वाला था आकाश गुर्जर जी। आकाश गुर्जर को यही उत्तर प्रदेश की पुलिस ने खनन माफिया बता के मार दिया, उसके पास ऐसे ही हथियार बरामद किए जैसे असद के पास बरामद किए, और बरामद करने के बाद में उसको दुर्दंड अपराधी घोषित कर दिया। 21 साल का लड़का, अच्छा, जो अग्निवीर की भर्ती में आया था, ठीक, उनकी माताजी गरीब परिवार की, उन्होंने सच जुटाया और अदालत का सहारा लिया। अदालत ने कहा प्रथम दृष्टया कि यह अपराध है, मुकदमा दर्ज कर लिया है, और यह निर्देश दिया गया है कि उसकी जांच आगरा जोन से, आगरा पुलिस जोन से बाहर कराई जाए। ये 2 इनकाउंटर हुए, एक निर्दोष का, एक दोषी का। ये मीडिया में क्यों इतना ही चला?
तीन दिन चार दिन पांच दिन मीडिया में ये एक एनकाउंटर चलेंगे क्या जी? अच्छा फिर अगर अगर माननीय मुख्यमंत्री जी की मान ले तो 10,000 एनकाउंटर हुए, क्यों नहीं मीडिया में आए? अच्छा क्योंकि तब चुनाव नहीं था, उनको बड़ा नाम नहीं रहा होगा, बनाना चाहिए था नवीन भाई, बड़ा नाम नहीं रहा होगा, बड़ा नाम एनकाउंटर कहां उसमें चर्चा में आएंगे? अब बड़ा नाम यहां पर अतीक अहमद है तो चर्चा में तो आएगी ना, मुख्तार और अतीक की बात नहीं होगी तो किसकी बात होगी भाई, बड़े नाम है। कानून की प्रक्रिया में, कानून की प्रक्रिया में कोई बड़ा नाम नहीं होता। अच्छा इसी 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 कानून ने चिदंबरम साहब को जेल भेज दिया था। अच्छा इसी कानून ने अमित शाह साहब को जेल में भेज दिया था। अच्छा इसी कानून ने योगी जी को जेल में भेज दिया था। अच्छा तो कोई बड़ा छोटा नहीं होता है। बड़ा छोटा रविन भाई मैं आपको बता दूं, जब कोई नेता बड़ा होता है, जब उसकी कोई अंत्येष्टि होती है, अंतिम क्रिया होती है, तो वहां पर लाइव होता है, और किसी गरीब की होती तो नहीं होता है। यही अंतर होता है व्यवस्थाओं में। जब कोई बड़ा माफिया होता है, बड़ा नाम होता है, और जब उसके साथ कार्रवाई होती है तो कार्रवाई सब दिखाते हैं। अगर आपकी सरकार भी होती तो वो भी दिखाती। और फिलहाल जिस तरह से आप बीजेपी को एजेंडा बता रहे हैं तो थोड़ा उमेश पाल के लिए, और जिस तरह आपने बोला है कि पूजा पाल को यहाँ पर संतुष्टि मिली होगी, थोड़ा उमेश पाल के लिए और दो शहीद पुलिसकर्मियों के लिए बोल दीजिए जो निर्दोष थे, उनकी सम्मेलन जता दीजिए। अगर ठीक है फेक एनकाउंटर जो भी आप बता रहे हैं ठीक है, एजेंडा बता रहे हैं बीजेपी का वो भी चलो ठीक है, वो तो बीजेपी प्रवक्ता जवाब देंगे, पर यहाँ पर अगर समर्थन कुछ हुआ है, कार्रवाई हुई है, तो उसमें दर्द कैसा? नवीन भाई जवाब क्या है आपका? उमेश पाल जी के परिवार को जी, भी जी न्याय मिलेगा, और शायद इससे खराब न्याय मिलेगा, वो आपके यहाँ रिकॉर्ड में है। अच्छा और इस अपराधी का इस अपराधी का बहुत बुरा लिखा हुआ है, उस समय मैंने कहा था जी। लेकिन ये कहने का मतलब नहीं है कि असद के एनकाउंटर को हम इससे जोड़ रहे हैं। असद का एनकाउंटर और अतीक अहमद पूरी तरीके से चुनावी है। अब एक मुद्दा और एनकाउंटर का बता रहा हूँ, चुनावी है। एक मुद्दा और एनकाउंटर का बता रहा हूँ। नोएडा में एक एनकाउंटर हुआ जितेंद्र यादव नाम के व्यक्ति का जी। उसके बाद पुलिस उसको लेके आई जी। पिसरख एक सीएससी है नोएडा में जी। फिर उसके बाद एक वीडियो वायरल होता है जी। दरोगा सुनील कुमार का और पिसरख सीएससी के फार्मासिस्ट का। अच्छा नाम नहीं बताना चाह रहा हूँ। उन लोगों में लेन देन की बात होती है कि भाई पैसा दोगे तो हम इसको आपको बचा देंगे, नहीं तो नहीं बचाएंगे। ठीक तो ये चरित्र है उत्तर प्रदेश सरकार का। अच्छा हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी ने क्या कहा है मुझे नहीं मालूम। दूसरा चरित्र बता दे। चलिए हमारे एक मिनट समय दे। बोल लीजिए। हमारे साथ ये अतीक अहमद को जोड़ते हैं। अतीक अहमद चार पार्टियों में रहा, इनसे समर्थित पार्टी। अरे जोड़ेंगे भाई, आप चुनावी मुद्दा बता रहे हैं, आप बोलिए। अच्छा हुआ आप चुनावी मुद्दा क्यों बता रहे हैं इसको, एजेंडा क्यों बता रहे हैं? बोलिए अच्छा हुआ, अपराधी का अंजाम ऐसे ही होना चाहिए, तीन लोगों को मारा हुआ है। बोलिए। गौरव जी प्लीज रोकिए, ये असभ्य लोग हैं, ये बीच में ऐसे चिल्लाते हैं। नहीं मैं बोल रहा हूँ, वो नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ। अरे मैं बोल रहा हूँ भाई, मैं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ जी। अच्छा मुझे असल में आवाज नहीं, वो सपाल भाई की आवाज नहीं, मैंने सपाल भाई चुपचाप बैठे सुन रहे अभी आपको जवाब देंगे। ठीक है रमन भाई बोलिए। देखिए हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं, अतीक अहमद हमारी पार्टी में था, अतीक अहमद इनकी पार्टी में भी था जी, अपना दल के द्वारा। अच्छा अतीक अहमद बसपा में भी था, अतीक अहमद निर्दलीय भी था जी। उसको अगर आप खाली सपा से जोड़ते हैं तो आपकी मानसिकता नहीं, मैं सपा से नहीं जोड़ रहा हूं जी। रविन भाई मैं भी सपा से नहीं जोड़ रहा हूं, मेरा कहना केवल इतना है कि अपराधी का अंजाम अगर खराब हुआ है, आपने अतीक अहमद के लिए कहा कि उनका अंजाम और खराब होगा, उमेश पाल को न्याय मिलेगा, तो उमेश पाल को अगर यहाँ पर पहला न्याय मिल गया है, अगर दो पहले भी अपराधी एनकाउंटर हुए हैं, दो कल हो गए हैं, तो इस न्याय के बाद आपको बोलना चाहिए कि हाँ अपराधी का अंजाम खराब होता है, उसको फेक और एजेंडा और चुनावी एजेंडा बना के मतलब क्या है, जो उस पर राजनीति हो रही थी। गौरव भाई साहब जी, अगर आपकी बात मान लिया जाए जी, तो भारत से पूरे भारत से जी, पहले भारत चलिए भारत की बात बाद में करते हैं, पूरे उत्तर प्रदेश के न्यायालयों में ताला लगा देना चाहिए। अच्छा और पुलिस को मान्य न्यायाधीश बना देना चाहिए। अच्छा और जो पुलिस कह दे उसी को मान लेना चाहिए। अच्छा पुलिस का काम केवल इतना है कि अपराधी को पकड़ के और न्यायालय तक ले जाए। अपराधी गोली चलाए तो अपराधी गोली चलाए तो क्या करे, बोले सरेंडर कर दो। चलिए उसकी बात भी बता रहा हूँ, बता रहा हूँ जी। उत्तर प्रदेश की पुलिस अपने वेबसाइट में दावा करती है कि हम दुनिया की सबसे बड़ी पुलिस है। अच्छा
और मौके वारदात पे बताती है कि हम 20 लोग थे और अपराधी दो थे। अच्छा, तो इतनी निकम्मी पुलिस है कि 20 लोग मिलके दो अपराधी को पकड़ नहीं सकते हैं। अच्छा, पकड़ नहीं सकते। विश्व की सबसे बड़ी पुलिस बल अति कम से जुड़े अपराधियों को पकड़ नहीं सकती है। आप नहीं करेंगे, आप यहाँ पर समर्थन नहीं। ठीक है, प्रवक्ता आप हमारी पार्टी, ताकि भाई क्या राय है आपकी? भाई कल एनकाउंटर भी हो गया और प्रयागराज में वहां पर कब्र भी खोद दी गई, अंतिम क्रिया भी हो जाएगी, सुपुर्द खाक भी हो जाएंगी, पर राजनीति इस पर लगातार चल रही है। भाजपा कहना है कि हमने जो कहा वो निभाया, और सपा का कहना है कि फेक एनकाउंटर है और बीजेपी का चुनावी झंडा है। आम आदमी पार्टी क्या रहा है? देखिए गौरव भाई, कौन आजाद हुआ, किसके माथे से गुलामी की स्याही छूटी, मेरे सीने में दर्द है देश के लोगों का, आज भी जो है वो हालात वैसे के वैसे ही हैं। अच्छा, अगर आप कह रहे हैं कि राजू पाल की हत्या हुई, उमेश पाल की हत्या हुई, गलत हुआ, दोषियों को सजा मिलनी चाहिए थी, लेकिन न्यायालय के द्वारा सजा मिलती, उनको फांसी होती, तो मैं उसको स्वागत करता, ताली बजाता। अच्छा, लेकिन जिस तरह से न्याय दिया गया है पुलिस का काम, मैं बहुत बड़े पुलिस अधिकारी का बयान सुन रहा था, वो कह रहे थे पुलिस गोली के बदले गोली चलाएगी। अगर पुलिस गोली के बदले गोली चलाएगी, उस सारे निर्णय गोली चलाने से हो गए। अच्छा, तो हमारे देश के अंदर जो व्यवस्था है, जो हमारे न्यायालय है, अच्छा, जो एक प्रणाली है हमारे देश के अंदर, अच्छा, जो न्यायपालिका, उसका क्या काम रह गया फिर? अच्छा, अगर सारे फैसले पुलिस कर ले, गोली चलाने से एनकाउंटर हो जाए, उत्तर प्रदेश में पिछले 6 सालों में 10,000 के आसपास एनकाउंटर हुए हैं। अच्छा, क्या एनकाउंटर होने के बाद क्राइम रुक गया, क्राइम कम हो गया? लगातार क्राइम होता चला जा रहा है और लगातार लोग क्राइम कर रहे हैं। क्या किसी का एनकाउंटर कर देना, गोली मार देना, क्या हम इस तरह से क्राइम को कंट्रोल कर सकते हैं? अच्छा, कितने खुलासे होने बाकी हैं, कितनी बातें आने बाकी, कौन से लोग हैं, नेता हैं जिन्होंने, जिनके आपराधिक लोगों से संबंध है, जो अपराधियों को पालते हैं, पोसते हैं, उनको बड़ा करते हैं, उनका उनसे लाभ उठाते हैं और उनसे अपने राजनीतिक वर्चस्व को कायम करते हैं, इसका खुलासा होना चाहिए। 40 आपके में भी है, 40 नेता एडीआर की रिपोर्ट आपके लिए भी है, 40 लोग आपके यहाँ भी है, आम आदमी पार्टी में एडीआर की रिपोर्ट बता रही थी, 40 लोग क्या है, 40 लोग आपके यहाँ भी जो है उनपे भी मुकदमे है, 40 लोग आपके यहाँ भी हैं तकी भाई, तो पॉलिटिकल मुकदमे हैं उनके ऊपर, संगीन मर्डर के चार्जेस नहीं लगे हुए। अच्छा अच्छा, मर्डर के चार्ज नहीं लगे हैं, उनके अपहरण के चार्जेस नहीं लगे हुए। अच्छा अच्छा, संगीन रेप के चार्जेस, मुझे लगा मुकदमा होता है, कोई बात नहीं, संगीन अलग बात है। और भारतीय जनता पार्टी ने अभी जो रिपोर्ट आई है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने खुद जो पर्चा भरते वक्त, नामांकन भरते वक्त जो डिक्लेरेशन देते हैं, उसके अंदर खुद बुलाया कि लोगों के ऊपर संगीन चार्जेस लगे हुए हैं। एनडीआर की रिपोर्ट के हिसाब से जो मिनिस्टर 42 मिनिस्टर बने हैं, उसमें 20 के ऊपर आपराधिक मामले हैं और सीनियर चार्जर लगे हुए हैं। अच्छा अच्छा, इवन हमारे मुख्यमंत्री जी जो हैं, वो अपने ऊपर से को चार्ज बुक करके मुख्यमंत्री के दी बैठते हैं। अच्छा, इवन आपके जो उपमंत्री हैं, उनके ऊपर संगीन चार्जर लगे हुए हैं जी। तो भाई बीजेपी कहती है कि हम जो अपराधी है उनको मिट्टी मिला देंगे और जो अपराधी बीजेपी के अंदर उनको मंत्री बना देंगे। अच्छा, ये नारा बीजेपी का जी, कि दूसरी पार्टी का होगा, विरोधी पार्टी का होगा, उसको राजनीतिक झुकाने के लिए, उसको तोड़ने के लिए मिट्टी मिला दी जाएगा। लेकिन जो अपनी पार्टी के अंदर माफिया बैठे हुए हैं, जिनके ऊपर संगीन चार्जेस लगे हुए मर्डर के, रेप, किडनैपिंग के, उनको मंत्री बना देंगे जी, सही बात है। तो अगर सब तरह सही कानून सबके लिए कैसा होना चाहिए जी, अगर बीजेपी कह रही है कि माफिया को मिट्टी बना देंगे, अराजक तत्वों को मिट्टी बना देंगे, को मिट्टी बना देंगे, तो जो उनकी पार्टी के अंदर लोग हैं उनको मिट्टी मिलाए, उनको मंत्री के पास हटाए, इस्तीफा ले उनसे। अभी भी जेल के अंदर बैठे बीजेपी के लोग, वो जेल से भी सियासत चला रहे हैं। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, डॉक्टर बीजेपी का हो गया, दो मुहा चेहरा, मुझे आपकी बात आ गई, मुझे आपकी बात समझ चुकी है, मैं समझ गया आपकी बात आ गई। कानून व्यवस्था बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती, आपको भी जन्मदिन है, अरे मैं समझ गया आपको भी दर्द है, ठीक है ठीक है, हमें दर्द है बाबा भीमराव अंबेडकर संविधान का, हमें दर्द है कानून का, हमें दर्द है न्यायपालिका का। आपका कहना क्या है कि एनकाउंटर करने जाए तो वहां पर अगर गोली चला शहीद हो जाए, अरे आप क्या चाहते हैं शहीद हो जाए पुलिसकर्मी, जब दो वहां शहीद होगा, यही चाहते हैं आप लोग? पुलिसकर्मी अगर शहीद हुए हैं तो उनका न्याय तब मिलेगा जब जिसने शहीद किया उसको फांसी कानून के तहत फांसी मिलेगी। आप एक इंजस्टिस से दूसरे इंजस्टिस को जस्टिफाई नहीं कर सकते। ठीक है ठीक है ठीक है, हो गया, जस्टिस है वो सरकार बताती रहेगी। ठीक है, डॉक्टर के बदले आंख आनी चाहिए। चले ठीक है ठीक है, गोली बदले गोली चलेगी तो यहाँ कोई बचेगा नहीं फिर। चले ठीक है ठीक है ठीक है, अरे वक्ता हाई कोर्ट न्यायालय हमें अगर गोली, भाई हो गया हो गया हो गया हो गया, सुन लीजिए, दो मिनट बोला ही मिनट बताइए, अगर हमें न्यायालय हमें गोली के बदले गोली चलानी थी तो हमने न्यायपालिका जो बनाई, कार्यपालिका जो बनाई, संविधान क्यों बनाया? आज बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती है, आज हिंदू संविधान की बात कर लेनी चाहिए।
संविधान की बात कर तो रहे हैं आप भी, तो संविधान की बात कर, मैं संविधान की बात कर रहा हूँ। जिन पुलिसकर्मियों की शहादत हुई है उनके लिए सम्मान, संविधान में वही बताता है कि बचाव में आप अपनी रक्षा कर सकते हैं भाई, इनाम मिलना चाहिए, उनके परिवार का पूरा इंश्योरेंस होना चाहिए। सैयद मोहम्मद तकी, संविधान भी हमको बताता है अधिकार है हमारा बचाव में अपनी रक्षा कर सकते हैं। सेल्फ डिफेंस से किसी को मारेंगे तो हत्या नहीं कहलाती है, वो भी याद रखिए। ये संविधान बताता है हमारा मौलिक अधिकार है, पढ़ लीजिए, मैंने पढ़ा हुआ हूँ। अच्छा बचाव कोर्ट न्यायपालिका नहीं बताती है, न्यायपालिका नहीं बताती है कि आप सेल्फ डिफेंस में हत्या करें हत्या नहीं मानी जाएगी। गलत इंटरप्रिटेशन है, गलत इंटरप्रिटेशन है। अच्छा बता दीजिए, पुलिस से नहीं कहता गोली बदले गोली चलाओ, पुलिस को ट्रेनिंग दी, गोली चलाने की बात है, सेल्फ डिफेंस नहीं होता है जी। 7-8 महीने लगातार पुलिस को ट्रेनिंग दी जाती है, अच्छा कैसे सरेंडर कराना है, चलिए मैं समझ गया आपको दर्द बहुत है, दर्द बहुत है आपको, ठीक है ठीक है, चलो दर्द बहुत है, मुझे आ गई, मुझे आ गई, केवल राजनीति होगी, राजनीति होगी। अरे दो शब्द शहीदों के लिए बोल दीजिए, जो शहीद हुए थे पुलिसकर्मी हुए थे, प्रवक्ता आप, प्रवक्ता आप, सैयद मोहम्मद तकी, मैंने शहीद पुलिस वालों को नमन किया, उनको बार नमन कर लिया, हो गया, उनके लड़ लीजिए, उनके लिए लड़ लीजिए, लेकिन इसको भी फांसी होनी चाहिए थी। चलिए ठीक है, मर्डर किया है उसको नए से तरीके से चलिए चले, हो गया हो गया, डॉक्टर शमशेर यादव जगराना हो गया, आपका टर्न हो गया, जरा मत बोल, ठीक है हो गया, डॉक्टर शमशेर यादव जगराना हो गया, हो गया हो गया, डॉक्टर शमशेर यादव जगराना। सबसे पहले तो मैं आप सभी को जो है नमस्कार करता हूँ जी। शमशेर भाई मेरा सिर्फ एक राय है, क्या आपको सोचते हैं पूरा घटनाक्रम आपके सामने है, अधिवक्ता है हाई कोर्ट के, पूरी न्याय प्रक्रिया को आप जानते हैं, जिस तरह से सैयद मोहम्मद तकी का आपने स्टेटमेंट सुना, रविन भाई का लिया सपा रसन की बात में बात सुनी, ये घटनाक्रम है कैसा है, और जिस तरह से यहाँ पर एनकाउंटर को लेकर राजनीति हो रही है, और जिस तरह से सैयद मोहम्मद तकी बोल रहे हैं कि यहाँ पर पुलिस को ट्रेनिंग दी जाती है, पहले पैर में आवाज दो, फिर चेतावनी दो, फिर पैर में गोली मारो, एनकाउंटर क्या होता है वो आपको बेहतर पता है, व्याख्या कर दीजिए, और जिस तरह से घटनाक्रम हुआ उस पर क्या कहना चाहेंगे आप जी? देखिए तो जो प्रदेश में घटनाएं घट रही हैं बहुत ही शर्मनाक है जी, ये आवाज नहीं आ रही है जी, ये बहुत ही शर्मनाक, आवाज बढ़ाइए, मैं आवाज बढ़ा लेता हूँ जी जी जी। शायद शमशेर भाई की आवाज नहीं आ रही है जी, समझे भाई बोलिए बोलिए। ये बहुत ही जो है प्रदेश में जी शर्मनाक घटना है जी, कि सबसे पहले तो शर्मनाक उसी दिन हो गया जब जो है खुलेआम जो है अभियुक्तों ने एक जो है प्रोसिक्यूशन के विटनेस को जी दौड़ा दौड़ा करके मारा जी, और ये प्रदेश में जो है बहुत ही दुर्दांत घटना थी जिसकी जो है हम सभी को भर्त्सना करना चाहिए जी। देखिए सबसे बड़ी चीज होता है कि न्यायपालिका कैसे चलेगी, न्यायपालिका में अगर कोई भी अभियुक्त है और जो है पुलिस उसके खिलाफ जो है चार्जशीट फाइल करती है उसमें विटनेसेस की लिस्ट देती है बिल्कुल, और अगर विटनेस मारने जो है मारते जाएंगे इस तरह से तो पूरा जो है जुडिशियल सिस्टम जो है कोलैप्स हो जाएगा बिल्कुल। तो जिस तरह से इन अभियुक्तों ने जो है एक जो है प्रोसिक्यूशन के एक जो है अभियुक्त पक्ष के जो है महत्वपूर्ण जो है गवाह को दिन दहाड़े जो है गोलियों से भून दिया, और जिस तरह से दूसरा अभियुक्त जो है बम जो है रोड पर जो है फेंक रहा था, दहशत फैला रहा था, ये बहुत ही जो है निंदनीय और घटना है, और प्रदेश में इस तरह से घटना होना भी नहीं चाहिए। उस समय लगा के जो है प्रदेश की कानून व्यवस्था भी चरमरा गई है जी जी, वो जो है प्रदेश जो है भूला नहीं था जी। अब रह गई बात कि उनके जो जो उसमें शामिल जो अभियुक्त हैं जी उनको जो है पुलिस ने मार गिराया है। अब देखिए हम लोग जो है दो चीज पर विश्वास करते हैं जी। पहला चीज कि चूंकि इस प्रदेश की पुलिस ने जिस स्टोरी पे लेके आई है, अगर कोई भी अभियुक्त पुलिस पार्टी पे अगर हमला करता है तो जवाबी फायरिंग पुलिस के द्वारा भी होती है जी। और उसकी जो है एक क्राइटेरिया होती है, अगर बचने बचाने की स्थिति आ जाएगी तो उस हिसाब से जो है हल्का फायरिंग होता है जी। और अगर लगेगा कि पुलिस सिस्टम को जो है ज्यादा क्षति होनी है तो उसमें जो है गोली जो है डायरेक्ट भी मारी जा सकती है, मार देते हैं जी। अब इसमें किस तरह की परिस्थितियां है, दोनों तरफ से लोग भागे होंगे क्या जी, है जी, ये सही नहीं है। दूसरी चीज ये भी है जो जिस तरह से कयास लगाए जा रहे हैं कि पुलिस ने पकड़ करके मार दिया है, अगर पुलिस ने पकड़ करके मार दिया है तो यह भी निंदनीय है ना। दोनों चीजें देखिए हम लोगों को बहुत ही स्वतंत्र बोलना चाहिए जी। बहुत पहले जो है इस विश्व में सबसे पहले जो है अगर जो है दंड संहिता आई थी जी तो हम्मुराबी की विधि संहिता थी जी, जैसा कि तकी जी ने भी बोला और रविंद्र जी ने भी बोला जी, भाजपा प्रवक्ता जी ने भी बोला, इन लोगों का भी लगभग आशय यही है कि जो विधि का जो राज है विधि का राज चलना चाहिए।
जो सबसे पहले जब विश्व में जो है दंड संहिता बनी तो वह है जो है हम्मुराबी की विधि संहिता। हम्मुराबी की विधि संहिता में यह था कि अगर कोई जो है किसी को थप्पड़ मारता है तो उसको राजा न्याय दिलाता था कि उसको भी थप्पड़ जो है मार करके वो कर दे। कोई अगर किसी का अंग भंग कर देता था तो उसमें व्यवस्था थी कि उसका भी अंग भंग कर दिया जाए। जी आज की पोजीशन दूसरी है। आज की पोजीशन है कि आज जो है हम्मुराबी की विधि संहिता नहीं है। आज के डेट में हमारी सीआरपीसी है, आईपीसी है, संविधान है, इसके तहत जो है व्यवस्था जो है जी यहाँ पर जो है कानून व्यवस्था चलती है। और उसमें भी देखा गया है कि जो है उसमें जो है गवाह जो है वो होते हैं, उनका क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, तब जा करके होता है। अगर यह परिस्थितियां वास्तव में पुलिस ने अगर पकड़ करके मार दिया है तो यह निंदनीय है, क्योंकि देश में भाई आपके आप ही जो है स्टेट में हैं और आप चाहेंगे तो जो है किसी भी उसमें कर देंगे, आप जल्दी जल्दी से अपना गवाह गुजार देते और इनको हो जाता। लेकिन सबसे बड़ी निंदनीय चीज की जो उमेश पाल की हत्या हुई थी वह एक गवाह था और गवाह को जो इन लोगों ने इतने दुर्दांत तरीके से मारा था, अगर इस तरह से गवाह मारे जाने लगेंगे तो तब तो जो है पूरा सिस्टम ही कोलैप्स हो जाएगा। तो वह जो है बहुत जो है निंदनीय घटना थी। और जो पुलिसकर्मी सरेआम जो है पुलिसकर्मियों को मार दिया, दो पुलिसकर्मी मारे गए, यह तो मतलब बहुत ही विभत्स घटना है। अगर सरकार के जो है सिस्टम को लोग मारने लगेंगे तो जो है पूरी हमारी जो है व्यवस्था जो है चरमरा जाएगी। गवाह को मारे जाने लगे तो ऐसी परिस्थितियों में ये संभव हो सकता है कि जो अभियुक्त गण है ये फायरिंग कर सकते थे और जो है जब खुलेआम कर सकते हैं तो पुलिस पार्टी पर भी कर सकते हैं। बहुत सही बात कही आपने। तो अगर इस तरह से हुआ है तो यह जो है मुठभेड़ में हत्या जो है जायज है और अगर गलत हुआ है तो जुडिशियल सिस्टम में जुडिशियल इंक्वायरी होगी, सामने हो जाएगा। रह गए बात सरकार की, अगर सरकार ने जानबूझ करके कराया है तो बहुत ऐसी घटनाएं होती है जिसकी बाद में दूसरी सरकारें आती है या जो है हाईकोर्ट जो इस पर इंक्वायरी सेटअप कर देता है। और जो याद जो है पुलिसकर्मी जो है अपनी पीठ थपथपा रहे हैं ये लोग भी जेल जाएंगे। और यह देखिए आईपीसी में स्पष्ट व्यवस्था है 211 से 218 में जी। और जो है अभिलेख में अगर जो है गलत तरीके से लिखे हैं तो 467-68 भी बनता है जी। इन लोगों के खिलाफ 218 से जो है 211 से 218 420-67-68 के तहत उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो जाएगी जी। जिस तरह से समझ रहे हैं लोग कि अगर पुलिसकर्मी एक मार करके बच जाएंगे तो ऐसा नहीं है, अगर गलत होंगे इंक्वायरी हो रही है पुलिस की जो है उसमें भी हो जाएगा, अगर सही होगा तो सामने आ जाएगा। बहुत बढ़िया, ठीक है जी, ठीक है। दिलीप यादव, दिलीप यादव विशेषक जी, क्या राय है आपकी? रविंद्र भाई कहना है कि चुनावी एजेंडा है, चुनाव आ गए इसलिए इस तरह की एनकाउंटर कराए जा रहे हैं जी। अपराधी अपराधी है, सजा मिल गई, उसको चुनावी बोले या जो भी बोले। सबसे पहले मैं गौरव जी आपके चैनल के माध्यम से जी हमारे देश के माता है, संविधान के माध्यम से आज हम आप बैठे हुए हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती के जी, बिल्कुल हम जो है नमन करते हैं। बिल्कुल सब, सब और उसी वजह से जो है हम आज यहाँ पे उपस्थित हैं जी। देखिए सवाल तब उठता है कि जब फेक इनकाउंटर होता है, हमें जो है उमेश पाल हत्याकांड में जो भी अभियुक्त थे, इसके अलावा दो कांस्टेबल, एक जो है निषाद थे और एक कोई और था जी, तो उन सब की दोनों तीनों की हत्या जो है निर्मम हत्या हुई दिन दहाड़े जी। ये बहुत ही निंदनीय और जो है शर्मनाक जो है प्रदेश सरकार के लिए भी है और हम आप सभी पार्टियों के एक मानवता के नाते, एक जो है मनुष्य होने के नाते जी, जो है बहुत ही शर्मनाक घटनाएं हैं और जी ये नहीं होना चाहिए था। ठीक, रही बात इनकाउंटर की, बात इनकाउंटर जो है जिस व्यक्ति का हुआ उस पे जो है इसी केस में जो है वो फरार चल रहा था, इससे पहले और भी केसेस क्या उस पे तमाम केस हैं, कितने केसेस थे, मैं अतीक अहमद की बात नहीं कर रहा जी, मैं जो है असद और गुलाम की बात कर रहा हूँ जी, उनमें क्या जो है कितने केसेस थे, 5 लाख का वांटेड था जी दोनों जी। घटना जो है ये तकरीबन 24 फरवरी की घटना है, 24 फरवरी से आज जो है लगभग 2 महीने होने आए हैं जी, 1.5 महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया जी। सरकार की जो है तत्परता, पुलिस की तत्परता के वजह से जो है ये इनकाउंटर का अंजाम दिया गया, पहले 2 हुए या फिर 2 हो गए, 4 हो गए टोटल जी, जो 4 हो गए जी। तो मैं तो यही जो है जी बिल्कुल लाइमलाइट में थे, जिसकी उम्मीद नहीं थी जी, जिसकी उम्मीद नहीं थी कि पकड़े जाएंगे कि नहीं जी। और ये तमाम उन जो है माफियाओं का, गुंडों का, प्रदेश के और देश के गुंडों के लिए ये सबब सीखना चाहिए कि जो है ये ऐसा हो सकता है।
लेकिन सबसे बड़ी बात ये उठती है कि जो है क्या ये इनकाउंटर जो है एक अगर जो है हत्या करता है तो क्या ये इनकाउंटर है या हत्या है। अच्छा, अगर जो है लीगल में हम जाते हैं तो एक प्रोसीडिंग होती है, जैसा अभी जो है हमारे हाईकोर्ट के मित्र ने बोला कि जो है न्याय व्यवस्था की बात है, अभी तकी साहब भी जो है बड़ा रंज हो रहे थे तो, और सपा के भी जो है मित्र जो है रंज हो रहे थे और भाजपा वाले तो जो है अपना वाहवाही लूटेंगे ही, लेकिन जो है एक प्रश्न उठता है कि जो है क्या न्यायपालिका जो है खत्म हो गई है। न्यायपालिका की जो है खत्म नहीं हुई है, न्यायपालिका की जो ढुलमुल और ढीली चाल है उस वजह से जो है जो जनता में रोष है उसका परिणाम जो है ये पुलिस वाले जो है अंजाम दे रहे हैं। अच्छा, और ये जो है आज से नहीं, जब से जो है 2017 से योगी सरकार आई है, अच्छा, तब से जो है इनकाउंटर का सिलसिला जो है चलता आया है और अच्छा। चल रहा है यही सेम चीजें। एक चीज और मैं याद दिलाऊंगा कि जो है तमिलनाडु में एक डॉक्टर का रेप होता है, बिल्कुल होता है, बीबर से रेप होता है, जी जी, उनके उनकी वहां पर एनकाउंटर हो जाता है, तो तकलीफ है क्या उससे आपको? नहीं, तकलीफ नहीं है, मैं बता रहा हूँ, एक एक निर्दोष महिला की जी जी बलात्कार करते हैं, उसको जला देते हैं, एनकाउंटर नहीं क्या होना चाहिए, निश्चित तौर पे जो है उनको सरकारी सेवाएं मिलना चाहिए जेल में। देखिए क्या कहना चाहते हैं भाई आप, गौरव जी, होता क्या है, इनकाउंटर जो है दुर्दांत अपराधियों का इनकाउंटर होना चाहिए, लेकिन वो दुर्दांत अपराधी जो है कहीं जेलों में संरक्षित है या जो है सरकार पोषित भी है। अच्छा, मैं इसी सरकार की बात करूंगा, इनमें जो है आपके स्वजातीय लोग हैं जी। मैं मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वजातीय लोगों की बात मैं करूंगा, आपका जो है जल्दी बोले, हाँ, यहाँ के जो है क्या जौनपुर के जो है धनंजय सिंह है। अच्छा, आपके जो है इसके अलावा जो है एक मिनट बोल लीजिए, धनंजय सिंह है, सेगर साहब हैं। अच्छा, इन लोगों पे जो है जो केसेज हैं वो बहुत ज्यादा केसेज हैं। अच्छा, ब्रजेश सिंह पे 106 मुकदमा है जो है बनारस के हैं। अच्छा, धनंजय सिंह पे 46 मुकदमा है, राजा भैया पे 31 मुकदमा है, विनीत सिंह पे 34 मुकदमा, ब्रजभूषण सिंह जो है जो गोंडा के, इन पे क्या कार्रवाइयां की जा रही है जी। इनको भी जो है उसी हत्या का मामला है। अच्छा, इसके अलावा जो है बलात्कार के सेंगर साहब पे, बलात्कार के जो है सेंगर साहब तो जेल में है, कोई दिक्कत नहीं, बोल दे उनका ही बोल लीजिए, बहुत केसेस हैं। इन लोगों पे भी जो है कानून अगर हमारे जो है बनाया गया है तो उसके तहत कार्रवाई होनी चाहिए। कोई जो है आपको नहीं, ठीक है, मुझे दर्द नहीं है, आप जो कहना चाह रहे मुझे दर्द नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अगर कार्रवाई हुई है जी जी, थोड़ा बोल लीजिए कि आप अपराधी अंजाम तक पहुंचा, वो कब बोलेंगे? नहीं, अपराधी जो या तो आप अंजाम या तो आप वेरीफाई कर रहे हैं, मैं वही कहना चाह रहा हूं, वेरीफाई कर रहे दिलीप भाई, किसी यहाँ पर आप तमिलनाडु का केस भी वेरीफाई कर रहे हैं, हैदराबाद का केस भी वेरीफाई कर रहे हैं, मैं वही कहना चाह रहा हूं कि न्यायिक किसी की निर्दोष लड़की को बलात्कार कर जला दिया जाता है, गौरव जी क्या बोलेंगे? गौरव जी मैं सरकारी व्यवस्थाओं का लाभ दिलाएंगे, मुकदमा लड़वाएंगे, गौरव जी वही निर्भया कानून का मुकदमा लड़वाएंगे, आप लोग न्यायिक क्या कहना चाहते हैं आप लोग? ढीला है कि न्यायिक प्रक्रिया इतना ढीला है, सूरत केस में राहुल गांधी तो को सजा मिल जाता है, न्याय प्रक्रिया के लिए लड़ाई लड़ी, लेकिन आप वेरीफाई कर रहे हैं, सरकार अगर जो है इतनी जल्दबाजी करके सूरत में जो है वो राहुल गांधी को जो है सजा याफ्ता करा देती है तो यहाँ पे अपराधियों के मामले, राजनीतिक मामले उनकी छोड़ दीजिए, अब तक कितने राजनेता को सजा हुई सब पता है, सब पता है, ये भी होना चाहिए, अब तक कितने राजनेता सजा हुई सब पता है। मेरे कहने का मतलब ये, मैं किसी जो है राजनेता ने राजनेताओं को कितनी सजा होती दिलीप भाई आपको ही पता है, सिस्टम चलता रहता है, न्यायपालिका चलती रहती है और लोग जुड़े रहते हैं, राजनीति करते रहते हैं, अगर राजनीति में आप अपराध को बढ़ावा देंगे तो व्यवस्था बनी रहेगी, अगर राजनीति मुकदमे देखेंगे तो आधी संसद खाली हो जाएगी। हाल में ही जो है जी आपका बलिया में हेमंत यादव की जो है हत्या की गई, छात्र था वो। अच्छा, उसके लिए जो है क्या कार्रवाई कर रहे हैं जी? लॉ एंड ऑर्डर की बातें हैं जी। अगर हत्या हो रही है, जैसे माननीय योगी जी ने कहा कि जो है माफिया को या जो है गुंडों को मिट्टी में मिला देंगे, मिट्टी में जो है सभी को मिलाइए, ऐसा नहीं कि जो है लोगों का जो है न्यायिक प्रक्रिया पर से जो है विश्वास उठ जाए, न्याय जैसे जी। क्या बोले तकी भाई? क्या बोल रहे हैं तकी भाई जी? बोलिए,
हम कह रहे हैं किसी को मिट्टी मिला देंगे और किसी को मिनिस्टर बना देंगे। नहीं वो तो कर रहे हैं, वो तो कर रहे हैं, बुलडोजर चलवा दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन कानून सम्मत चले ठीक है, मैं किसी माफिया का तक नहीं, अभी नहीं, अभी सवाल से जवाब देंगे, बात नहीं कर रहा, अभी जवाब दूंगा, अभी जवाब दूंगा, ठीक है, तभी अभी रुकिए, सपर हुसैन सबको जवाब दीजिए भाई, सपर हुसैन, सपर भाई, सपर भाई आपको मेरी आवाज आ रही है, सपर हुसैन मेरी आवाज आ रही है आपको, जी बोलिए, मुझको बोला आपने, बोलिए बोलिए सपर भाई बोलिए, सबका जवाब दीजिए, अभी दिलीप यादव विशेषक बोल रहे थे, विशेषक थे यहाँ पर, राज्य विशेषक वो बात कर रहे थे, बोलिए सपर भाई बोलिए, जी सपर भाई आवाज नहीं है, क्या सपर हुसैन से संपर्क टूट गया है क्या, सपर भाई आपको संपर्क टूट गया है क्या, शायद संपर्क टूट गया है, जी तकी भाई आप पूरी करिए, नहीं गौरव भाई अभी आप इस केस की बात कर रहे थे, डॉक्टर पेंकर रेड्डी का केस था, वो हैदराबाद केस था, कर्नाटक का केस नहीं था जी, और तेलंगाना केस था, वो तमिलनाडु केस नहीं था जो आप कह रहे थे, तमिलनाडु ये बता रहे थे, वो हैदराबाद का केस था मुझे पता है, जी बोलिए, वो तेलंगाना केस था, हैदराबाद के अंदर डॉक्टर दिन का केस था जी, और उस केस के अंदर भी न्यायालय ने 10 पुलिस कर्मचारियों को गिरफ्तार किया था जो एनकाउंटर में इन्वॉल्व थे, और वो एनकाउंटर बाद में फेक निकला था, उसके बाद कार्रवाई की गई। तो जब आप जल्दबाजी में कार्रवाई करते हैं कई बार होता है कि आपके पास पर्याप्त मात्रा में सबूत उपलब्ध नहीं होते, बाद में पुलिस के ऊपर क्वेश्चन उठते हैं। दूसरी बात है किसी अभियुक्त को अगर आप किसी दोषी को अगर आप मारे दे रहे हैं तो उस दोषी के जरिए बहुत से राज फाश हो सकते थे, बहुत से चेहरों से नकाब उतर सकता था, राजनीतिक कनेक्शन कर सकते थे। इतनी जल्दबाजी में अगर आप किसी का मर्डर हो जाता है तो वो लोग बच जाते हैं जो पीछे से राजनीति के अंदर क्राइम को और अपराध को बढ़ावा देते हैं जी। तो हमें न्याय का मतलब सिर्फ नहीं होता कि जो सामने व्यक्ति से गोली चला है उसको मार देना, उसका मतलब होता है जो लोग उस पूरी कड़ी में शामिल है। अच्छा सामने गोली चला तो गोली खा लेना, ये काली गोली खा लीजिए आप, ये बोल रहा है आप, गोली खा नहीं तो क्या बोलना चाहते हैं जी भाई? संपूर्ण न्याय क्या होता है? संपूर्ण न्याय होता है कि जो सामने वाला गोली चलाएगा तो आप उससे बोले कि मुझे गोली मार दीजिए, मेरा न्याय मांगता रहूंगा जी। अरे गौरव भाई गोली चलाने वाला अक्सर कई बार वो मेन आप बताइए ना सामने दिख रहा है। अच्छा बात को सुन लीजिए आप मेरी पूरी, सुनाइए। गोली चलाने वाला अक्सर मेन क्रिमिनल नहीं होता, वो तो सामने दिख रहा है जो क्राइम कर रहा है। अच्छा अच्छा उसके पीछे जो लोग जो उससे क्राइम करवाते हैं, अच्छा उनके चेहरे से पर्दा कैसे फाश होगा? अच्छा अच्छा अगर व्यक्ति उसकी हत्या हो जाएगी उसको मर्डर हो जाएगा उसका एनकाउंटर हो जाएगा जी जी जी। तो हमें अगर संपूर्ण न्यायपालिका संपूर्ण न्याय देना है तो उस व्यक्ति को कोर्ट में पेश करना पड़ेगा, उसे गवाही लेनी पड़ेगी। अच्छा। कौन से लोग थे जिनके इन्फ्लुएंस से उसने काट किया? चलिए ठीक है और क्या क्या कनेक्शन है अतीक अहमद के? अच्छा। किसके क्या कनेक्शन है? चलो मैं आप कौन से लोग अतीक अहमद के बिजनेस में इन्वॉल्व है? चलिए मोहम्मद तकी हो गया, सबकी बात है, अतीक अहमद का इनकाउंटर हो जाता है। चलिए मोहम्मद तकी आपकी बात आ गई, मैं केवल इतना कह रहा हूँ सुनिए, फेक एनकाउंटर है क्या है वो जांच का विषय है, पर अगर अपराधी अंजाम तक पहुंचे हैं तो उसका कम से कम उसका समर्थन तो आज बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती में बाबा कह रहा हूँ, आज न्याय की बात करिए। अच्छा संपूर्ण न्याय की। अच्छा न्याय के सपर हुसैन बोल रहा है न्याय हुआ है, सपर हुसैन बोल रहा है न्याय हुआ है, न्याय कहते हैं सपर हुसैन बोल रहे हैं, सपर भाई बात पूरी करिए। ये न्याय है। अच्छा खून के बदले खून नहीं है, आंख के बदले आंख नहीं है, ये कानून को नहीं माने, ये बता रहे हैं ये बच्चे पूछे अतीक अहमद के बारे में, इतना पार्टी के लोगों ने क्या करा है, किसने पैसा लगा था अतीक अहमद के बिजनेस में, किसने किसे पैसा लगा था, उसका आदमी बाद में बोला है बेटा था जिसका एनकाउंटर हुआ वो 5 लाख का इनामी था और उसके साथ में अतीक अहमद का एनकाउंटर हो जाता है तो सारे लोग जो पीछे पहले अतीक अहमद के पैसा लगाए थे अब गुलाम हो गया है उसकी बॉडी को। तकी भाई सुन लीजिए सपर भाई बोल रहे हैं, बोलिए बोलिए गौरव भाई जी ये जो माफिया का पुत्र था जिसने हमारे उमेश पाल जी की असद नाम था जिसका, जिसके ऊपर 5 लाख का इनाम था, सरेआम जिसने कत्ल किया जिसमें दो सिपाही हमारे शहीद हुए, हाँ। उसका गवाह शहीद हुआ, हाँ। इस आदमी के साथ जो इनकाउंटर में मारा गया उसका नाम गुलाम था, आप देखिए उसकी माँ ने अपने बेटे की बॉडी को लेने से इनकार कर दिया और कहा कि इससे मेरा कोई रिश्ता नहीं है, ये एक अपराधी है। माँ का बयान ये है, ऐसी माँ को मैं नमन करता हूँ, सलाम चाहे सपा के हो चाहे टकी हो चाहे कोई भी हो, उसको शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए,
कि ये मेरा बेटा नहीं है, ये अपराधी है, ये अपराधी को भी और मैं कहता हूं जिम्मेदारी अपराधी हो चाहे वो भारी हो गए इन लोगों को कब्रिस्तान का बहिष्कार करना चाहिए, इनको अपने कब्रिस्तान में दफन नहीं करना चाहिए। आप लोग गुंडों और माफियाओं की पैरवी कर रहे हैं और कानून की दुहाई दे रहे हैं आप। अच्छा आप न्यायपालिका की बात कर रहे हैं, आप लोग मुख्यमंत्री आवास से इन लोगों का संरक्षण करते थे। मुझे ये भी याद है कि जब समाजवादी पार्टी के की सरकार में जब मुलायम सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो दसियों सरगना चंबल के डकैत कहा करते थे कि मुलायम सिंह मेरे भाई हैं। अरे ये कौन सी बात होती थी, चंबल के डकैत कहते थे कि मुलायम सिंह मेरे भाई हैं। ये समाजवादी पार्टी का यह चरित्र है कि वो माफियाओं और गुंडों का संरक्षण करती है। आज उनके संरक्षण प्राप्त माफिया के बेटे का इनकाउंटर हुआ है जो कि जिसने की उछल उछल कर फिल्मी स्टाइल में उमेश पाल जो कि गवाह था उसकी हत्या की है। रविंद्र प्रताप बोलेंगे, रविंद्र भाई बोलेंगे, ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए। रविंद्र प्रताप बोलेंगे जो है एक गुंडे और माफिया के लिए आकर, ठीक है तमर भाई, अब रविंद्र प्रताप सिंह बोलेंगे। गुंडा मारा गया, एक माफिया मारा गया, बताइए चुनावी स्टंट है, आइए मैदान में चुनाव में बताएंगे। जनता आपको इसका जवाब देगी, आप गुंडों की पैरवी कर रहे हैं, माफियाओं की पैरवी कर रहे हैं, जनता आपको 24 के चुनाव में जवाब देने वाली है और अभी नगर निगम के चुनाव में आपको जवाब देगी कि आप गुंडों की पैरवी कर रहा है। योगी जी ने कहा, मैं कहता हूँ योगी जी ने कहा उत्तर प्रदेश को गुंडों और माफियाओं का साफ कर देंगे, मिट्टी में मिला देंगे। ये काम योगी जी की सराहना का काम है, जनता उनके पीछे खड़ी है। रविंद्र भाई बोले, रविंद्र भाई बोले, रविंद्र भाई पर रही, रविंद्र भाई क्या बोलेंगे, ये गुंडों के संरक्षण की पार्टी है। हाँ बोलिए, हाँ बोलिए, गुंडों का संरक्षण करते हैं चाहे वो डिग्री कॉलेज से चुनाव हो, जितना भी लड़ाते थे गुंडा छात्र संघ का चुनाव लड़ता था। सवाल भाई प्लीज, सवाल भाई प्लीज, अगले को बोल दीजिए, बोलिए बोलिए रविंद्र भाई बोलिए। अखिलेश यादव माफिया मुखिया हुआ करते थे उसके। अरे ये कौन सी बात है भाई, मुख्यमंत्री है, पूर्व मुख्यमंत्री, कैसी बात कर रहे हैं आप लोग, ठीक है बोलिए। अरे मैं तो कह रहा हूँ पूर्व मुख्यमंत्री नहीं है, मुख्यमंत्री है तो जो है गुंडों का संरक्षण करेगा, माफियाओं का संरक्षण करेगा। अरे साहब सफा हुसैन साहब जी, चलिए हुसैन साहब मर्यादा रखिए, अरे मर्यादा रखिए, चीफ मिनिस्टर एक आप लोग मर्यादा नहीं, एक चीफ मिनिस्टर को बोल रहे हैं, चलिए आपके भी चीफ मिनिस्टर, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। गुलाम की मां से प्रेरणा लीजिए आप लोग, चलिए रविंद्र भाई बोलेंगे, रविंद्र भाई प्लीज, सफर भाई प्लीज, सफर भाई प्लीज प्लीज, रविंद्र भाई, रविंद्र भाई गुलाम की मां से, सफर भाई आपका हो गया, सफर भाई मतलब नहीं है, बोलिए नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं तो हम लोग को बुलाने का मतलब नहीं, नहीं नहीं सफर भाई प्लीज, रविंद्र भाई अपनी बात पूरी करिए, बोलिए बोलिए रविंद्र भाई, फिर उसी को बुलवा लीजिए घंटा क्या, रविंद्र सफर भाई प्लीज सुन लीजिए भाई, डिबेट खराब मत करिए, बोलिए रविंद्र भाई अपनी बात रखिए, बोलिए बोलिए। एक दो चीजें बताइए क्योंकि इनकी आवाज हमको सुनाई नहीं पड़ी है जी, अगर हमारे पार्टी के विरुद्ध कुछ कहा हो तो बता दीजिए भाई। इन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव गुंडों के मुखिया, माफियाओं के सरदार, और उन्होंने ये भी कहा है कि मुलायम सिंह यादव को चंबल के डकैत बोलते थे कि हमारे भाई हैं, और ये और सपा क्यों बोल रही है, ये गुंडों को संरक्षण करने वाली पार्टी है और ये हम पे चुनावी झंडे का आरोप लगा रही है जी, ये बोल रहे हैं जी। अब इसको सुन लीजिए, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अगर यह व्यक्ति जिसको मर्यादा नहीं पता है अगर बीच में बोलने का चेष्टा करता है तो ये आपकी जिम्मेदारी की, नहीं मेरी जिम्मेदारी, मेरी जिम्मेदारी, बोलिए जी। हम गुंडों की पार्टी है कि नहीं है जी, यह तो निर्धारित होना बाकी है जी, लेकिन एक गुंडों की पार्टी विधानसभा में बैठी हुई है जिसके 255 विधायकों में से 111 आपराधिक छवि के हैं, उनमें से 25 गंभीर अपराध के आरोपी हैं जी, फिर इनके मुख्यमंत्री महोदय पे जी वही आरोप है जो असद पे था जी, 302 और 307 जी, उसमें भी एक पुलिसकर्मी मारा गया था जी, उस आरोप में जी, फिर इनके मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री महोदय हैं जी, उनके ऊपर 420-19 का आरोप है जी, तो और मंत्रिमंडल में 3 मंत्री ऐसे हैं जो सजा याफ्ता हैं जी, लेकिन अभी मंत्री हैं क्योंकि उनकी सजा 2 साल से कम की है जी, तो ये पूरे की पूरी गुंडों की टीम लेके तो विधानसभा में बैठे हुए हैं और हमें गुंडों की पार्टी कह रहे हैं। अच्छा अब आते हैं जी एनकाउंटर पे, क्योंकि बात घूम घुमा के एनकाउंटर पे हो रही है जी, बिल्कुल। एनकाउंटर के लिए जी एक सेट प्रोसीजर बना रखा है जी हमारे संविधान ने जी, जो सीआरपीसी में उल्लेखित है कि अगर कोई भी एनकाउंटर होता है तो उसकी मजिस्ट्रियल जांच होगी, बिल्कुल होता है जी, लेकिन मजिस्ट्रियल जांच जो होती है वो सीनियर पीसीएस लेवल का अधिकारी करता है तो अपने सरकार के विरुद्ध नहीं दे सकता है, बिल्कुल। अगर उससे कोई क्षुब्ध है तो जा सकता है न्यायालय में जी, इसका एक मैं आपको उदाहरण देता हूं जी,
दस सिख तीर्थ यात्रियों को 1991 में कल्याण सिंह की सरकार में जी गाड़ी से उतार के मार दिया गया था जी, और मारने वालों को मेडल मिला था, आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिला था, और उन सिख यात्रियों के साथ में जी बहुत खतरनाक हथियार बरामद दिखा दिए गए थे और उनको खालिस्तानी आतंकवादी बता दिया गया था जी। मैजिस्ट्रियल जांच हुई, मैजिस्ट्रियल जांच में वो मुठभेड़ सही पाई गई जी। जब जब विपक्षी लोग न्यायालय में गए तो लखनऊ सत्र न्यायालय ने ही उनको आजीवन कारावास, उन 50 से अधिक सिपाहियों को आजीवन कारावास की सजा दे दी जी। अभी हाई कोर्ट लखनऊ ने उनको आजीवन कारावास की सजा 7 साल में कर दिया हुआ है, जानकारी है जी। ये इनका चरित्र है, गुंडों को लेके बैठे हुए हैं, फर्जी एनकाउंटर करते हैं जी। और ये अच्छा मित्र है कि 10,000 एनकाउंटर करने के बाद भी जी भारत देश में अपराध में दूसरे नंबर पे हैं जी, महिलाओं के अपराध में तीसरे नंबर पे हैं, रेप में पहले तीसरे नंबर पे हैं, दहेज हत्या में दूसरे नंबर पे हैं जी। किस बात का ढोंग पीटते हुए हैं, और इसके साथ और तुर्रा क्या है कि सारे अपराधी जेल में हैं, नहीं तो प्रदेश छोड़कर भाग चुके हैं, तो क्या ये जो अपराध एनसीआरबी कर रहा है ये बीजेपी के कार्यकर्ता कर रहे हैं क्या जी? पूछ लेता हूँ, तो उनको बताना चाहिए कि इसको बीजेपी के कार्यकर्ता कर रहे हैं या कौन कर रहा है, पूछ लेता हूँ। और ये अपराध जो कर रहे हैं उन अपराधियों को क्यों नहीं लगाम लगा पा रही है? गौरव भाई पूछता हूँ, समय हो गया जी। समर भाई पूछा, जल्दी बोलिए गौरव भाई, एक मिनट। हाँ बोलिए बोलिए समरजन, बोलिए गौरव भाई, बोलिए गौरव भाई। रविंद जी से मैं पूछना चाह रहा हूँ, पूछ लीजिए, कि जब कोई अपराधी गोली चलाता है तो क्या वो आईपीसी की धारा पूछ के चलाता है कि हमारा नियम क्या कहता है जी? मैं रविंद जी से पूछना चाहता हूँ जवाब दे, जब अपराधी किसी पुलिस वाले पर गोली चलाता है तो क्या संविधान के दायरे में गोली चलाता है जी? जवाब दीजिए गौरव भाई, बता दीजिए, आपको सुनना चाह रहा हूँ। रविंद भाई बता दीजिए, मुझे सुनाई नहीं, बताइए, सुनाई नहीं पड़ रही आवाज। अपराधी वो कह रहे हैं, अपराधी जब गोली चलाता है तो आईपीसी को ध्यान में रख के गोली चलाता है, संविधान से पूछ के गोली चलाता है, अपराधी गोली चलाता है जब, मुझे पूछ रहा है जी। देखिए सेल्फ डिफेंस में देखिए अपराधी के साथ कोई सेल्फ डिफेंस नहीं होता, संविधान अपराधी अपराधी होता है, पहले इस चीज को मानिए। अब आते हैं जो कहानी की बात ये कर रहे हैं हमारे जो भाजपा के मित्र हैं, और हमारे साथ दो दो वरिष्ठ अधिवक्ता बैठे हुए हैं जी। पुलिस की फर्द जो पहले तो एक 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 यहाँ के दिल्ली के बहुत बड़े अधिकारी हुए, बहुत नामी थे, एसीपी थे वो। एसीपी साहब ने कहा, वेद भूषण जी नाम था उनका जी। उन्होंने किसी इंटरव्यू में कहा कि 99% एनकाउंटर जो होते हैं वो फर्जी होते हैं और दबाव में होते हैं। अच्छा, अब अरे अरे जिस बात को मैं कह रहा था उस बात को रवि जी कहा आप मुझे बात की जवाब दीजिए, देश की प्रदेश की जनता आपको सुनना चाहती है, इनको हम कह रहे हैं सुनाइए। ये जो असर व्यक्ति है आप सवाल लीजिए, सवाल लीजिए, सवाल लीजिए। एनकाउंटर किया आप उसके पक्ष में हैं कि विपक्ष में, जल्दी बताइए, बताइए आप पक्ष में विपक्ष में, बोलिए आप उस एनकाउंटर के पक्ष में हैं या विपक्ष में? आप कहानी में सुनाइए, आप अपराधियों का सम्मान करते हैं, पुलिस वालों का सम्मान करते हैं? काबू में नहीं आ रहे थे, बताइए, तो आपने इन 10,000 में जो एनकाउंटर किया था, अपराधी में काबू हो गए थे जिसने खुले पैरों में गोलियां लगी थी, पैरों में गोलियां नहीं लगी। रविन भाई यहाँ पर समर सर का पूछना, केवल आखिरी एक मिनट बचा हुआ है, समर सर पूछना ये है कि जो असर मारा गया, एनकाउंटर हुआ है, आप इसके पक्ष में या विपक्ष में जी? सिंगल स्टेटमेंट, इसके जो असद का एनकाउंटर हुआ है, गुलाम का एनकाउंटर हुआ है, आप इसके पक्ष में हैं या विपक्ष में हैं? हम इसकी न्यायिक जांच की मांग करते हैं जी, जो जो नतीजा आएगा उसके साथ खड़े होंगे। लीजिए, ठीक है, डॉक्टर शमशेर यादव जगराना, आखिरी कमेंट जी। देखिए जिस तरीके की परिस्थितियां आ रही हैं और गहमागहमी का माहौल है कि पकड़ करके मार दिया गया है जी, अगर इस तरह से जो पकड़ करके मार देना जो है उचित हम लोग बताएं जी, तो एक सभ्य समाज में उचित नहीं है जी। दूसरी चीज है, अगर मुठभेड़ में वास्तविक रूप से मारा गया है तो ये तो एक प्रक्रिया है जी, लेकिन जिस तरीके से इनकाउंटर कुछ दिनों पहले से हो रहे हैं, पुष्पेंद्र यादव की हुई थी जी, और उसकी हुई थी जी, अगर इस तरह से हो रहा है तो ये गलत है जी। और जो हम लोग संविधान के तहत कार्य करते हैं जी, है ना, जो इतनी प्रदेश और देश में जो न्यायपालिका बैठी हुई है इसीलिए बैठी हुई है, आप जो है फास्ट जो है उसका जो है ट्रायल करा सकते हैं, ठीक है,
हाँ इतना जरूर है कि जिस तरह से गवाह मारे जा रहे हैं है ना, ये थोड़ा सा निंदनीय है। और जिस तरह से सरकार ने भी कहा कि हम जो है अपराध मुक्त हो गए हैं, इलाहाबाद की घटना देख करके जो दिन दहाड़े जो हुई थी उससे भी लगा कि जो है सरकार भी जो है कानून व्यवस्था पे फेल है। और ये जो घटना हुई है जो बार बार स्क्रीन पे आ रही है इन दोनों की जो है जो हत्या और इनकाउंटर में जो मामला आया है, वास्तविकता ये है इसमें कि इसमें जो है हाई कोर्ट के जज से जो है इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, जिस तरह से देश में मांग हो रही है ना, इंक्वायरी हो जाना चाहिए, जो सत्य हो वो सामने आ जाए। सर मोहम्मद तकी आखिरी कमेंट बोलिए। सर मोहम्मद तकी देखिए ये मुझे प्रतीत होता है जितने भी मैंने कल से अखबार पढ़ा है पूरी तरह से फेक इनकाउंटर है, गलत इनकाउंटर किया गया है जी। और ये न्यायपालिका के अस्तित्व के ऊपर बहुत बड़ा सवाल निशान उठाता है कि अगर सारे फैसले पुलिस ही कर लेगी और गोली से हो जाएंगे तो हमारे पास न्यायपालिका, न्यायालय, मजिस्ट्रेट, ये सारी व्यवस्थाएं क्यों हैं? अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। तो इस तरह की कार्रवाई आप पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है? ठीक है, मैं चाहता हूँ इस तरह के अपराध आप चाहते हैं पुलिस जाए वहाँ सही हो जाए। ठीक है ठीक है, मैं समझ गया, आप चाहते हैं पुलिस जाए सही हो जाए। ठीक है, समझ आ गया। ठीक है, पुलिस को न्याय करने का अधिकार नहीं है, पुलिस को गोली खाने का अधिकार है। मैं समझ गया, पुलिस को गोली खाने का अधिकार है, शहीद होती रहे अपराधी, पुलिस को मारते रहे, उनको शहीद करते रहे। ठीक है, चलिए, पुलिस सुरक्षा देती रहे, गोली खाती रहे, आपका काम यही है, आपका कहना वही है। चलो ठीक है, रविंद्र भाई की बात देखिए कितनी अच्छी बात कही उन्होंने, जांच की मांग की है, पर यहाँ पर आप पुलिसिया व्यवस्थाओं पर सवाल लगा रहे हैं। आपका कहना यह है कि पुलिस सुरक्षा करती रहे और गोली खाती रहे। ठीक है ठीक है, आप सभी का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। तो यहाँ चर्चा बहुत विषय बहुत महत्वपूर्ण था, चर्चा विषय था कि जिस तरह से यहाँ पर असद का एनकाउंटर हुआ, गुलाम का एनकाउंटर हुआ, दो पहले एनकाउंटर हुए, ये वही अपराधी थे जिन्होंने 24 फरवरी 2023 को उमेश पाल और दो निर्दोष पुलिसकर्मियों की सरेआम बम चलाते हुए गोली चलाते हुए हत्या कर दी थी फिल्म स्टाइल में। और वो हत्या मैंने नहीं बल्कि देश के सभी जनता ने देखी थी, सबने देखी थी, जितने भी न्यूज चैनल देखते हैं, मोबाइल चलाते हैं, सबके पास वो वीडियो था कि खुलेआम किस तरह से यहाँ पर आतंक मचाते हुए जान से मार दिया गया दो निर्दोष पुलिसकर्मियों को जो किसी की सुरक्षा में तैनात थे, और एक सरकारी गवाह को जो किसी मामले में अपने आप को गवाही के लिए आया था। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि जिस तरह से चर्चाएं हो रही है, जिस तरह से बात हो रही है, या जिस तरह से यहाँ पर आरोप लग रहे हैं, वो जांच का विषय है और जांच भी हो जाएगी, बहुत कुछ स्पष्ट हो जाएगा। पर एक बार तब भी स्पष्ट है कि अगर कोई एनकाउंटर हो रहा है तो एनकाउंटर की बुनियाद आप देखिए, क्योंकि वहां पर अपराधी मारे जा रहे हैं, और जब अपराधी मारे जाते हैं तो कुछ समर्थन सरकार का या पुलिस विभाग का कर देना चाहिए। अगर सरकार को आप चुनावी एजेंडा बता रहे हैं या चुनावी व्यवस्था बता रहे हैं, पर कम से कम जो पुलिसकर्मी उस एनकाउंटर को अंजाम दिए हैं, जान पे खेले हैं, तो कम से कम उनकी इज्जत को यहाँ पर अपने सिर आंखों पर रखते हुए उनके लिए तो समर्थन कर दीजिए, सरकार के लिए समर्थन करें या ना करें, व्यवस्थाओं को बेहतर करिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कम से कम जो अच्छा हो रहा है उसका समर्थन करिए और जो बुरा है उसका विरोध करिए। और हमारा देश का संविधान भी हमको यही सिखाता है कि विरोध का विरोध करिए और अच्छाई का समर्थन करिए। तो आज की चर्चा में इतना ही, नमस्कार।